नमस्ते, पोन्नियिन सेल्वन पॉडकास्ट द्वारा आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ अपनी स्टाइल में। आशा करती हूँ कि आप आपका प्यार और आधार मेरे इस चैनल को देंगे। मैंने इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करने की पूरी कोशिश की है। मेरी गलतियों को माफ़ करें और अपना सपोर्ट मुझे दें। पोन्नियिन सेल्वन, ये कहानी कल्कि कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई एक एपिक कहानी है। ये कहानी राजा राजा सोलन की है। इस किताब को सिनेमा में बनाने का प्रयास कई लोगों ने किया है। अब जाकर मणि रत्नम जी को उसमें कामयाबी मिली है। इस कहानी के 5 अध्याय हैं। चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये कहानी दक्षिण भारत के तंजावुर, नागपट्टनम, तिरुवारूर, कांजीपुरम और श्रीलंका में हुआ था। शुरू शुरू में आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा कि शहरों के नामों में, कैरेक्टर्स के नामों में, पर ट्रस्ट मी, आगे चलते चलते आपको इन सब से प्यार हो जाएगा। ये किताब करीब करीब 72 साल पहले प्रकाशित हुई थी, पर आज भी तमिलनाडु के लोगों के बीच में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या खास है इस किताब में? क्यों इम्पोर्टेंस देते हैं आज भी लोग इसे? ये तो कहानी के साथ जुड़े रहेंगे तब पता चलेगा। आज से कुछ 1000 साल पहले चलते हैं। ये काल में तमिलनाडु में चोल साम्राज्य का शासन था। इसी काल में राजा राजा सोलन ने तंजावुर मंदिर बांधा था। ये मंदिर आज भी उस राजा के गुणगान गाती है। वो बहुत ही बुद्धिमान थे। उनकी प्रजा और सैनिक, उनके मंत्री सभा सब उनसे खुश थे। सब उनके कंट्रोल में थे। सबका मन उन्होंने प्यार से जीता था। ये उनके परिवार में सबसे छोटे बेटे थे। सबसे छोटे तो महाराजा कैसे बन गए? आपके मन में यह ख्याल तो आया होगा, क्या औरंगजेब की तरह सबको मार गिरा कर तख्त हासिल किया? क्या हुआ था? जानते हैं इनके परिवार को। महाराजा सुंदर चोलन, उनके नाम के जैसे ही वो भी बहुत ही सुंदर और तेजस्वी थे। उनको अपना दामाद बनाने के लिए कई छोटी रियासतों के राजा तैयार थे। उस काल में तंजावुर चोल साम्राज्य की राजधानी थी और चोल साम्राज्य में बाकी छोटी रियासतें जैसे कुंभकोणम, नागपट्टनम, तिरुवायूर से लेकर महाबलीपुरम तक रियासतें थीं। श्रीलंका भी उनके साम्राज्य का हिस्सा था। छोटी रियासतें चोल महाराजा को लगान भरते थे। सुंदर चोल को 3 बच्चे थे। आदित्य करिकालन उनके बड़े बेटे थे। वो वीर पांडियन के खिलाफ हुए जंग में सेनापति थे। उन्होंने वीर पांडियन को मारकर उसका सिर धड़ से अलग कर युद्ध जीता था। अब वो उनके नाना मलयमान के साथ कांजीपुरम में रहते हैं। दूसरी बेटी कुंदवी देवी, ये सुंदर चोल की लाडली बेटी थी। सुंदरता और बुद्धिमत्ता से संपूर्ण थी। उसकी बात को काटने की हिम्मत राज्य में किसी की नहीं थी। अब वो पलयरम में रहती थी। ये कुंभकोणम के पास का एक शहर है। ये पहले चोल साम्राज्य की राजधानी थी, पर जैसे जैसे राज्य बढ़ता गया, तंजावुर को नई राजधानी बना दिया गया, क्योंकि वहाँ से सभी राज्यों पर ध्यान अच्छे से दिया जा सकता था। पर कुंदवई को पलयरम के जीवन अच्छा लगता था, इसीलिए वो वहीं रह गई। उनके यहाँ कई रियासतों के राजा ने उनकी बेटियाँ भेजी हुई थी। कुंदवई के सजने संवरने का अपना ही अलग स्टाइल हुआ करता था। वो उनकी बेटियों को भी अपने छत्रछाया में ले लें ऐसी आशा से भेजते थे। वो अपना अलग ही राज्य चलाती थी। अब आते हैं कहानी के महानायक की ओर, अरुणमुली वर्मन यानी राजा राजा सोलन यानी हमारे पोन्नियिन सेल्वन। वो सुंदर चोल जैसे बहुत सुंदर थे। उन्हें जैसे हेरिटेज में उनके पिता की सुंदरता मिल गई हो। बिल्कुल सूर्य की तरह तेजस्वी थे। वो फिलहाल श्रीलंका में हैं। वहाँ पे जीत हासिल करने के बाद भी वहाँ की जनता में अभी भी युद्ध का डर है और वहाँ का माहौल शांत नहीं हुआ है। चोल सैनिक वहाँ के टूटे हुए बौद्ध विहार और मंदिरों की मरम्मत कर रहे हैं। ये था सुंदर चोल का परिवार। अब चलते हैं आज की तारीख पे। आषाढ़ का 18वां दिन था। विवाहित दंपति तालाब के पास पूजा कर रहे थे। ये तालाब वीर नारायण तालाब था। उसमें बहुत पानी भर गया था। लोगों के बीच खुशी का माहौल था। बच्चे, बूढ़े और जवान सब बहुत मजे कर रहे थे। कोई पिकनिक मना रहा था, कुछ मिलकर नाच गाना कर रहे थे। कुछ लड़के अपने पसंद की लड़कियों के बाल से चुपके से फूल निकाल कर तालाब में बहा दे रहे थे और उस फूल का पीछा कर रहे थे। लोग ऐसे जमा हुए थे मानो कि कोई त्यौहार हो।
सब पहली बार देखते हुए घोड़े पर सवार एक बंदा इस सीन में एंट्री करता है। यही है स्टोरी का नरेटर, वानर कुलर्तवन वल्लवरायन वंदियदेवन। वो इस जश्न का मजा लेते हुए चला आ रहा है। लड़कियां उसकी और उसकी सवारी की मजाक उड़ाते हुए हंस रही हैं, शर्मा रही हैं। ये देवन के पूर्वज बहुत ही प्रभावशाली थे, पर अभी उनके पास कुछ भी नहीं था। हमारा हीरो कुछ ज़्यादा ही शाइनिंग मार रहा था लड़कियों को देखकर। तब एक बूढ़ी औरत ने उसे खाना खाने के लिए बुलाया तो वो शर्मा के आगे बढ़ गया, बिल्कुल फट्टू। इस बीच तालाब के छोर पर 7-8 नाव आती हैं। वातावरण बहुत गंभीर हो जाता है। उसमें से सिपाही उतरकर सबको एक तरफ करते हैं। वंदियत्तेवन वहाँ एक बुजुर्ग से पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बोलते हैं कि ताड़ का चिन्ह नहीं देखा क्या बेटा, वो महावीर पल्लवीटरयर है। पल्लवीटरयर सुंदर चोलर के राइट एंड लेफ्ट हैंड थे। वो दो भाई थे, बड़े और छोटे। इसमें से छोटे भाई के पास महाराजा के महल की सुरक्षा और फाइनेंस डिपार्टमेंट था। वो जो बोले वही लगान लोगों को भरना पड़ता था। बड़े पल्लवीटरयर ने 24 युद्ध लड़े थे। अभी उनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई थी, इसीलिए वो अब आराम कर रहे थे। इनके खानदान ने चोलर के खानदान में अपनी बेटियों की शादी करवाई थी और वहाँ से बेटियाँ ब्याही भी थी, इसीलिए उनके बीच संबंधी का रिश्ता था। हमारे हीरो को बड़े भाई साहब से मिलना था, पर उसको दिया गया काम उसको रोक रहा था। ये देवन आदित्य करिकालन के सेनाध्यक्ष ही नहीं बल्कि उनके अच्छे मित्र भी थे। आदित्य करिकालन ने वंदियत्तेवन को दो संदेश दिए थे। उसमें से एक संदेश उसके पिताजी को देना था और दूसरी उसकी बहन को देना था, वो भी सीक्रेटली। आदित्य करिकालन ने यह भी बोला था कि पल्लवीटरयर और उसके चाचा मधुरांधकम उसके पहचान के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, इसी कारण वह चुप रह गया। अपने रास्ते में कडम्बर में रात बिताने का सोचकर